लगभग 1-1.5 साल से हिंदुस्तान में थे, इनकी पढ़ाई को लेकर पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा हुआ था। अब ये बच्चे स्कूल जाने लगे, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने पूछा, इनकी ड्रेस देखी, तो ये बता रहे हैं कि लगातार कितने दिन हो गए बेटा स्कूल जाते हुए? बहुत दिन हो गए, एक दो हफ्ता। कैसी पढ़ाई चल रही है? क्या नाम है आपका? राज। राज, राज जो है बेटा है, बड़ा बेटा है सीमा का। सीमा, कब से बच्चे जाने लगे स्कूल? इनको सावन से जब पहला सोमवार शुरू हुआ तब से जा रहे हैं। अच्छा, नए सत्र में? पहले भी जाते थे मगर मतलब एडमिशन वगैरह नहीं था, ऐसे ही जाते थे। अच्छा, जाते पहले भी थे? हाँ, पहले भी जाते थे पर बगैर एडमिशन के, ऐसे ही जाते थे बबीता जी के बच्चों के साथ, मगर अब इनका अपना अलग स्कूल में एडमिशन हो गया। और ये छोटी छोटी है प्रियंका, ये कौन सी क्लास में इसका एडमिशन हुआ है? ये कोई होशियार नहीं, केजी में हो गया, इसका सेकंड में हुआ है। राज का सेकंड और इसका सेकंड में हुआ है, और इसका यूकेजी। परी का यूकेजी? परी का यूकेजी। मुन्नी नर्सरी, नर्सरी में जाने लगी। अच्छा, स्कूल कैसा है? कैसा है स्कूल? स्कूल ठीक है। पिटाई होती है स्कूल में? मैम डांटे हैं? मैम डांटे, डांटती है मैम? अच्छा, काम करके नहीं ले जाते? काम करके ले जाते हैं। डांट पड़ती है? नहीं। अच्छा अच्छा, कैसा स्कूल कैसा आपका? अच्छा है। पढ़ाते ठीक है? ठीक है। बड़ी तो एलईडी लगी है। क्या क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर? ज्यादा इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश हिंदी और मैथ। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मैथ। सेकंड क्लास में हो आप? डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, आपके जो है क्लाइंट थी सीमा सचिन, अब ये बच्चों का जो पढ़ाई का मामला था वो बड़ा पेंडिंग चल रहा था, जिसको लेकर कई बार सवाल भी उठे थे, तो अब बच्चों का एडमिशन हो गया है यहाँ पर? बच्चे पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन सेशन से ही सत्र होता है। पहले तो उस समय जैसा चला, उस समय जून जुलाई में चल रही थी, स्थिति अलग थी, लेकिन जब सेशन पहले बच्चे जाने लगे थे, बच्चे लगातार पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे, लेकिन नए सेशन से एडमिशन का तो एक टाइम होता है। अब एडमिशन के हिसाब से रेगुलर उस हिसाब से जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और राजप्रकाश मीणा, इसकी तो इच्छा है कि इसका नाम राजप्रकाश मीणा रखा। राजप्रकाश मीणा। कैसा स्कूल का मतलब, आप पाकिस्तान में पढ़े होगे, इस स्कूल में पढ़े तो कौन सा स्कूल अच्छा लगता है? इधर वाला। इधर वाला क्यों, यहाँ क्यों अच्छा है? यहाँ खेलने के लिए भी है। अच्छा। हर चीज है। अच्छा, खिलाते भी है यहाँ पर? अच्छा, और क्या क्या चीज अच्छी लगती है यहाँ पर? बहुत चीज अच्छी लगती है। पापा। अच्छा, पापा कौन? गुलाम हैदर? नहीं, और सचिन पापा। सचिन पापा वो ठीक लगते हैं? क्यों? बाप बेटे की बात में नहीं बोलते। अच्छा, अच्छा माँ बेटी की बात कैसी है? बाप बेटे की। माँ बेटा भी तो है ना इधर। कौन ज्यादा प्यार करता है, सीमा ज्यादा प्यार करती है कि सचिन? पापा। अच्छा, डांटता कौन ज्यादा है? मम्मी। मम्मी। भाई बच्चों को माँ से प्यार होता है, इधर पापा से प्यार है, सीमा क्या क्या बात है? ऐसा है ना, मतलब सचिन की तरफ बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। कभी पता है चारों इकट्ठा बिठा के बहुत रोते हैं, सच्ची में बहुत रोते हैं। फिर मैं डांटती हूँ कि हमें क्यों कर रहे हो, हम तो साथ में ही हमेशा, पर उनको उनको भी तकलीफ होती है। बीच में बहुत गुस्सा हो रहे थे कि लोग बकवास कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत बहुत तकलीफ में थे, बहुत रो रहे थे। बच्चों को लेकर बच्चे बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। सगा बाप भी इतना नहीं कर सकता, तो सचिन जैसा बाप कोई बन के दिखाया इस दुनिया में मानूंगी। गंदे लोग गंदगी फैलाते रहे, पर सचिन जैसे बन के दिखाए ना, तो मैं उनको मानूंगी। सचिन के हम एक नहीं, लाख करोड़ों एहसान है हम पे। आज ये इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे ना, उनकी देन है। अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, इनके लिए सब कुछ खरीदता है। जरूरी नहीं सबको सब कुछ दिखाया जाए, पर मेरे बच्चे जितने खुश हैं, सब किसी से पूछोगे ना, सबसे पहले कौन सब कहेंगे? पापा, क्योंकि प्यार दे रहे हैं, तभी तो इतना प्यार दे। प्यार मिल रहा है। प्रियंका ये बड़ी है, स्कूल जाती है, कैसे लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। नया स्कूल कैसा है? पाकिस्तान में भी जाती थी पढ़ने? जाती थी, पर वहाँ पे मन नहीं लगता था। क्यों, वजह क्या? वहाँ पे बस मारते रहते थे। पाकिस्तान में? और यहाँ पर? यहाँ पे बहुत मजा आता है। हमारे स्कूल में हमें अपने आप खिलाया जाता है, हमारी मैम खिलाती है, हमें फोन दिखाती है। हाँ, क्या दिखाती है? फोन। फोन भी दिखाती है? फोन में क्या क्या दिखाते हैं? हाथी राजा, टीवी। हाँ। अच्छा, एलईडी स्क्रीन दिखाते हैं? हाँ। अच्छा, उसमें कहानी दिखाते हैं? नहीं, कंप्यूटर दिखाते हैं, उसमें गेम खेलते हैं ना। अच्छा। वो चीजें दिखाते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है? हाँ। और क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? वो सब कुछ अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं प्रियंका बहुत परेशान है यहाँ पर। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश है? बोला प्रियंका की पिटाई होती है यहाँ पर? नहीं तो, नहीं, कभी कभी तो पिटाई होती होगी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
नहीं। प्रियंका क्या बनना चाहती है, क्या करना, क्या बड़ी होगा क्या करेगी प्रियंका? डॉक्टर करूंगी। डॉक्टर बनेगी? डॉक्टर बनना चाहती है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर बनेगी। अच्छा किसने बताया कि डॉक्टर बनना चाहिए? किसने कहा कि डॉक्टर बनना चाहिए? मम्मी ने कहा था डॉक्टर। तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं बच्चे? हाँ ना, प्रियंका सबका इलाज करेगी, बढ़िया डॉक्टर बनाऊंगी प्रियंका को। मम्मी जब बूढ़ी हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, तो प्रियंका जब ठीक करेगी, है ना? करेगी। अच्छा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा और क्या क्या करना अच्छा लगता है? बहुत मजा आता है। कौन ड्राइंग? क्या क्या चीज पर ड्राइंग करनी मजे आते हैं? मम्मी तो क्या कहते हैं, 5 रुपए लेंगी, बस चीज लेती हूँ, बस 5 रुपए लेती हूँ, चीज लेती है। हाँ। क्या? बस 5 रुपए लेके चीज लेती हूँ मैं। अच्छा, वो अच्छा। करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ। चीजें खरीदना भी अच्छा लगता है? जितने खर्च करती हो उतने बताओ। पैसे भी खर्च करती हो? नहीं करती। चीज खाती हूँ लेकर? मैं 5 लेती हूँ। 5 रुपए लेती है बस? झूठ बोल रही है। राज, राज से पूछ लेते हैं, राज क्या बनना चाहता है? राज तुम बताओ क्या करना है जिंदगी में? वकील बनना? तुम तो कन्फर्म है बिल्कुल है पहले से ही। वकील क्यों बनना चाहते हो ये बताओ? मामा के जैसा। अच्छा मामा का प्रोफेशन अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा वकील बनकर क्या करोगे? सबकी हेल्प करूंगा, सबकी हेल्प करूंगा, केस लड़ूंगा। अच्छा केस लड़ेगा? केस लड़ेगा आपका सर गया? केस लड़ेगा, जीतेगा, फिर जिसका केस हम लड़ेंगे। लेकिन जो गुलाम है आपके पापा, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से मैं बुलाऊंगा बच्चों को। किससे पूछ के पापा बोला? किससे पूछ के पापा बोला? नहीं, वो कहते हैं कि मैं बच्चों का पिता हूँ और मैं अपने बच्चों को इधर बुलाऊंगा। मैं जाऊंगा तब ना। नहीं जाओगे? मन नहीं करता जाने का? वजह क्या है? वजह पापा के प्यार। अच्छा लग रहा है मामा का प्यार? हाँ अच्छा। तुम बताओ मुन्नी, परी भाई, भैया। हाँ क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? वहाँ पर सब कुछ। और मुन्नी, मुन्नी तुम बताओ क्या बनोगे? बड़े होगे क्या बनना? परी बड़ी होगे क्या बनेगी? मैं वो बनूंगी। क्या? मैं टीचर बनेगी। टीचर बनेगी? अच्छा टीचर क्यों बनना चाहती है? पढ़ाओ वे सबको। अच्छा टीचर बनना अच्छा लगता है, चेयर पे बैठ जाती है। अच्छा मुन्नी तुम क्या करोगी? पुलिस। पुलिस? पुलिस पुलिस बनना है? बच्चे बच्चे जो है ठीक पढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है इनका। मेरे लिए बस यही था, इनका भविष्य मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का मकसद इनका भविष्य बनाना है बस, और कुछ भी नहीं। और भगवान ने सब कुछ दे दिया और सारी जिंदगी जी लिया, बच्चों का भविष्य ये सब कुछ मेरे लिए। कैसे लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। नया स्कूल कैसा है? पाकिस्तान में भी जाती थी पढ़ने? जाती थी पर वहाँ पे मन नहीं लगता था। क्यों? वजह क्या? वहाँ पे बस मारते रहते थे। पाकिस्तान में? और यहाँ पर? यहाँ पे बहुत मजा आता है, हमारे स्कूल में हमें अपने आप खिलाया जाता है, हमारी मैम खिलाती है, हमें फोन दिखाती है। हाँ क्या दिखाती है? फोन। फोन भी दिखाती है? फोन में क्या क्या दिखाते हैं? हाथी राजा, टीवी। अच्छा एलईडी स्क्रीन दिखाते हैं? हाँ। अच्छा उसमें कहानी दिखाते हैं? कंप्यूटर दिखाते हैं, उसमें गेम खेलते हैं ना, वो चीज दिखाते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है? और क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? वो सब कुछ अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं प्रियंका बहुत परेशान है यहाँ पर। नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश है? बोला प्रियंका की पिटाई होती है यहाँ पर? नहीं तो नहीं, कभी कभी तो पिटाई होती होगी। कभी भी नहीं होती। कभी भी नहीं, नहीं।